हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इनायत स्टड फार्म पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हम स्टड फार्म की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही हम एक बारामती के स्टड फार्म पे आए हुए थे, जिसका नाम क्या है, डिटेल्स क्या है स्टड फार्म की, पूरी डिटेल्स हम ये जो सामने भाई खड़े हैं इनसे ही लेने वाले। तो भाई साहब, सबसे पहले अपना एक बार नाम बता दो। मेरा नाम है नवनाथ मासाल। नवनाथ मासाड़। और जो ये लोकेशन है अपना, ये लोकेशन क्या है? ये काटेवाड़ी, काटेवाड़ी। ये कहाँ पे पड़ता है काटेवाड़ी? ये बारामती से 9 किलोमीटर आगे। 12 से 9 किलोमीटर आगे। हाँ, और जो ये अपना फार्म है, फार्म का नाम क्या रखा हुआ है आपने? हमका नाम है मासाल ब्रदर स्टड फार्म। मासाल ब्रदर्स स्टड फार्म। तो अभी कितने जानवर है अपने पास, घोड़ा घोड़ी अभी मिला के? 9 जानवर है अपने। 9 जानवर। तो क्या क्या है उसमें अभी? उसमें अभी 2 बच्चे हैं और एक स्टैलियन है अपना, अच्छा, और बाकी के मेरे हैं सब। बाकी के मेरे। हाँ, अच्छा। तो अभी ये बताओ, ये स्टेलियन जो है, इसकी उम्र कितनी है? अभी ये 4 साल पूरे हो गए उसको। हाँ, 4 साल हो गए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम त्रिशूल है। त्रिशूल। अच्छा, और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट में कितना है ये? हाइट में 63+ है। 63+। तो कब लाए थे आप इसको? इसको लाए हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। हाँ आपने खरीदा था ना? हाँ खरीदा था। खरीदा। अच्छा, तो क्यों खरीदा था इसको, क्या देखा था इसमें आपने जो इसको खरीदा? इसके पहले तो इसकी लाइन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इसका कौन है फादर? इसका फादर है रूपशान करके। हाँ, रूपशान। और अच्छा, और रूपशान काले रूपशान का का, बाप कौन है? तो उसका बाप काले काटा है। काला काटा। अच्छा। और अगर अगर इसके इसके मदर साइड की बात की जाए तो मदर कहाँ पे थी इसकी अभी? मदर इसके यहाँ हमारे दोस्त है यहाँ पर शंभू। ही थी लोकली? हाँ, शंभू गोलप करके, हाँ उनके घर पे थे, उधर ही पैदा हुआ था, हाँ उनके पास से हमने खरीदा था। उनके पास से आपने हाँ, खरीदा। और मदर की लाइन की बात की जाए तो कौन से लाइन की है? मदर उन्होंने बोला था वरखाना लाइन के, लेकिन हाँ, उसका डिटेल पता आपके नहीं पास है। हाँ, कन्फर्मेशन नहीं है नहीं लेकिन। है कंफर्मेशन। अच्छा, ठीक है। तो अभी इससे कवरिंग स्टार्ट कर दी है या नहीं कर दी है अभी हाँ, तक? कर दी है कर दिए कवरिंग स्टार्ट। तो कितनी घोड़ियाँ कर दी कवर? अब अभी 35 के करीब घोड़िया हो गई। 35 के करीब। हाँ, अच्छा, और रिजल्ट कितने आए इसके? रिजल्ट 3 आए अभी। 3। तो आपके पास कुछ रिजल्ट है इसके? है ना, हमारा पास एक कितना, एक रिजल्ट है। बच्चा है? हाँ, एक बच्चा है, बच्चा है, बच्ची है? बच्ची है। बच्ची है। अच्छा। और इसके अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट कैसी मार्किंग दे रहा है? मार्किंग एक बच्ची अभी घर पे है, हाँ, वो पूरी इस पे आई है। जो इसके, इसकी मार्किंग है वही वही मार्किंग हाँ, है अभी। इसकी क्या मार्किंग है? इसकी 3 पैर सफ़ेद और ब्लेज है। 3 पैर सफेद और ब्लेज। हाँ, अच्छा, और एक बच्चा आया है काला टिक्का। काला टिका। हाँ, हाँ, और तीसरा बच्चा कैसा है? तीसरा ग्रे, ग्रे। उसकी उमेर ग्रे थी, वो हाँ, बच्चा ग्रे आया है। तो ये कैसी घोड़ियों पे बच्चे दे रहा है, मतलब अलग कौन से कलर की घोड़ियों पे बच्चे कैसे अभी दे रहा है? ग्रे पे ग्रे चाया है एक हाँ रिजल्ट। एक जो काला टिक्का आया है हाँ वो चंबी घोड़ी है। चंबी घोड़ी है। हाँ चंबी घोड़ी पे भी काला टिका हाँ दिया। हाँ और एक जेड ब्लैक है अपने पास, हाँ, उसके ऊपर उन्हें जो है ये जैसा खुद है। की मार्किंग ही दी हाँ, है। खुद की मार्किंग है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए कवरिंग स्टार्ट करके आपने? अभी देखो 15-16 महीने हो गए कवरिंग स्टार्ट करके। 15-16 महीने हो गए। हाँ, पंद्रह अच्छा, सोलह महीने तो अगर इसके डीएनए की बात की जाए तो आपने इसका डीएनए करवाया या नहीं करवाया? नहीं करवाया, नहीं करवाया। नहीं करवाया। अच्छा, तो कब करवाने का उसका प्लान है या नहीं? करवाने का प्लान है, इसके बाप का डीएनए नहीं हुआ अभी तक। बाप का ही डीएनए नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका भाई मेरे ख्याल से पिछली बार कवर किया है मैंने, अर्जुन घोड़ा है ना इसका भाई भी? हाँ, हाँ, वो भी अच्छा घोड़ा है। तो अभी इसको आपने शो में लगाया है? नहीं लगाया अभी तक। नहीं लगाया, नहीं लगाया अभी तक नहीं शो में। अभी लगाएंगे हाँ, अक्लूज में, कौन से शो में लगाएंगे? बैकलूज में। अक्लूज में लगाएंगे। अच्छा, तो शो के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है पहले? हाँ शो के लिए उसके अभी तैयारी चालू है, उसका डाइट, मालिश वगैरह, अच्छा, लंचिंग दे रहे हैं। हाँ। तो कितने देर देते हो इसको लंजिंग वगैरह? आधा घंटा देते हैं सुबह, आधा घंटा। और शाम में? शाम में नहीं देते, शाम एक में नहीं, हाँ एक एक ही टाइम टाइम देते देते। हो? अच्छा। और डाइट में कुछ चेंजेस किए या नहीं किए अभी तक? नहीं, डाइट तो जैसे है वैसे चालू जैसे है। वैसे शो हाँ, के लिए अलग डाइट नहीं नहीं देते नहीं आप? कुछ नहीं डाइट। और राइडिंग का कैसा है, अभी राइडिंग चलता है या नहीं चलता? चालू किया है राइडिंग के लिए, हाँ, आए सारंगखेड़ा अभी से। चालू किए? हाँ अच्छा, तो ये सारंगखेड़ा से आए क्या? हाँ राइडिंग के लिए चाहिए इसके। हाँ, तो कैसा है मतलब घोड़ा, स्वभाव का वगैरह? स्वभाव का तो बहुत शांत है। बहुत शांत है, हाँ, बहुत एटीट्यूड शांत में है। तो बेहतरीन घोड़ा है ये। हाँ, अभी देख के जाएगा आपको वीडियो में सब। हाँ, वो तो मैंने सिनेमैटिक ले ही लिया इसके। नवनाथ जी, मैं थोड़ा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो घोड़ा है, इसका नाम त्रिशूल है, बराबर है?
मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि अभी आपने 30 कितने घोड़िया इससे कवरिंग की? करीबन 35 के करीब हो गए घोड़े। 35 घोड़िया कवरिंग की, उसमें से कितने घोड़ियों के रिजल्ट आए अभी तक? तीन घोड़े। तीन घोड़े की मतलब अभी अभी शुरू किया, साल डेढ़ साल? हाँ, मतलब साल भर पहले शुरू किया, पिछले साल ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं हुई, इस साल बहुत ब्रीडिंग हुई। अच्छा। हमने भी जानबूझ के पिछले साल ज़्यादा नहीं की, और दो दांत हो गया था। और दूसरी क्या बोल रहे थे आप? दो दांत हुआ था ना पिछले साल? हाँ हाँ, तो थोड़ी की थी ब्रीडिंग, कम की थी दो दांत में। हाँ, अच्छा हाँ हाँ, तो अभी इस साल बहुत हो गई। नहीं, दो दांत में भी करते हैं वो ब्रीडिंग, लेकिन लिमिटेड करते हैं, मतलब कम करना चाहिए ऐसे मैंने भी सुना था। और अभी चार दांत हुए हैं, चार दांत कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ। तो उससे फिर आपने ब्रीडिंग। अच्छा, जब इसकी ब्रीडिंग आप रोज कितनी का, मतलब महीने में कितनी घोड़ी आती है? ऐसे कि महीने में कैसे एवरेज की, एवरेज कितने आती होगी? 6-7 घोड़िया, 5-6 पकड़ गए, 5-6, कभी ज्यादा भी होते कभी कम भी होते, 6-7 मान के चलो। छः, तो उसके लिए आप इसको कुछ अलग से खुराक देते हो, अलग डाइट देते हो, या बस रेगुलर नहीं, डाइट? डाइट तो रेगुलर चालू है उसकी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। और घोड़िया आपने 30-35 जो कवर किए, उसमें से कितनी खाली निकली, कितनी कंफर्म हो गई? करीबन करीबन अभी पिछले महीने में 10-11 घोड़िया चेक किए, हाँ, उसमें से दो घोड़ी खाली निकली, वो अच्छा रिपीट कर देंगे अभी। अच्छा, हाँ, अभी जिनके पास गई है बाहर, उन्होंने चेक किए नहीं किए ये कोई जानकारी नहीं है। अच्छा इसकी आपने कवरिंग की फी कितनी रखी है? 15,000 रुपये लेते हैं। 15,000 रुपये, मतलब हाँ एक किसान को, आम किसान को सुटेबल है, मतलब हाँ उनको जैसे जम जाएगी वैसे परोड़ जाएगी। हाँ तो दूसरी बात ऐसे है, मेरे को एक आपसे आपको क्वेश्चन करना था कि आपके पास 30 से 35 घोड़ी आई है, सब किसानों की घोड़िया, स्टड फार्म की घोड़िया, कैसे कैसे आई है? किसानों की है ज्यादा, ज़्यादा किसानों की हाँ है क्या? ज्यादा किसानों तो की मैं है। उनके लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आप बोल रहे हैं कि 8-10 घोड़ियों में से दो घोड़िया खाली रह गई, तो हाँ, उसके 11 घोड़िया लिए, चेक किए, उसमें से दो घड़ी खाली रह तो गई। उसके लिए फिर आप वो घोड़ी खाली निकलने के बाद उसको कैसे पता चलता है? आप कैसे पता करते हो? आपके यहाँ पे डॉक्टर है या आपका कहीं लेके जाते हो? हम मतलब ये यहाँ अगर मुझे घोड़ी भेजना है, अगर मेरे मेरे को कुछ, मैं नया, मैंने नया घोड़ी लिया, मेरे को आपके पास भेजा, फिर ये मेरे को तो कुछ घोड़ी में कब हीट पे आती है, कब कंसीव रहती है, कैसे, वो मुझे मालूम नहीं है, वो सब आप करवा के देते हो क्या? हाँ करवा के देते हैं। उसके कुछ अलग चार्जेस लेते हो नहीं क्या आप नहीं उसी के अंदर? नहीं उसके अंदर होता है, मतलब अच्छा कि हॉस्पिटल के चार्जेस अलग रहते हैं। अच्छा हाँ 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 हॉस्पिटल के जो चार्जेस है, हाँ अभी मानो कि घोड़ी हिट पे आई है, हाँ हाँ फॉलिकल चेक करना है, तो वो शिरोल को ले जाते हैं इधर से, हाँ हाँ 100 किलोमीटर पड़ता है, हाँ 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 तो उधर उधर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, हाँ हाँ कि आने जाने का खर्चा ज़्यादा है। यहाँ से कितना है शिरवल? 100 किलोमीटर है इधर से। 100 किलोमीटर, हाँ तो गाड़ी भाड़े से करके हाँ लेके वही जाना गाड़ी पड़ेगा। भाड़े का खर्चा ज़्यादा है, हाँ उधर के 500 रुपये में हो हो जाता जाता है, मतलब अगर मैंने घोड़ी लिया आपके पास भेजा, और उसके आप कवरिंग के लिए मैंने आपको 15,000 रुपये दिए, उसके बाद आप उसको कन चेक करवा के ही फिर आगे भेजते हो, है। या नहीं, खाली कवर करके उनको भेज देते हैं। फिर उनको अगर अगर उनके पास उनको फिर उनको आप माया इन्फॉर्मेशन देते हो क्या कि आप ये चेक करो वो करो वो हाँ करो? चेक करने के लिए या बुलाए तो डॉक्टर भी आ जाते हैं इधर। अच्छा, घोड़ी मैंने भेजा, घोड़ी भेजने के बाद आपका स्टेबलिंग चार्जेस ये कुछ है क्या उसका? नहीं, कवरिंग होने तक कोई स्टेबल चार्ज नहीं लेते हम। तो घोड़ी कितने, 1 महीना रहेगी, डेढ़ हाँ महीना रह रहेगी? जाती है, एक 20-25 दिन, कभी कभी महीना भी निकल तो जाता है। 1 महीना के, हाँ 1 महीना मान के चलो आप फ्री में रखते हो, उसका कोई हाँ चार्जेस नहीं, कुछ आपके नहीं लेते, स्टेबलिंग चार्जेस नहीं है? स्टेबलिंग चार्जेस नहीं लेते। अच्छा, घोड़ियों में फिलहाल जो अभी आप बोल रहे खाली निकल रही है, वो किस वजह से खाली निकल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? प्रॉब्लम मानो तो कैसे है कि जब तक फॉलिकल चेक नहीं हो जाता, हाँ यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, कोई हाँ हाँ डॉक्टर आते नहीं है, या किसान लोग क्या होता है कि उनका खर्चा ज़्यादा है हाँ हाँ उसकी वजह से बुलाते नहीं। फॉलिकल अगर टाइम पे अभी घूरा नहीं छूटा तो नहीं नका बंद रह जाएगी, बराबर है। या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा अंदर, इन्फेक्शन कोई कुछ कुछ घोड़िया में हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो उसको वॉश आउट करके ले आए तो फिर गा बंद मतलब रहते कोई हैं। भी आपको फोन करेगा तो आप उनको बता देंगे हाँ कि बता क्या देते हैं, करना चाहिए बता क्या नहीं देते करना हैं, चाहिए? कोई कोई लोग है हमारा, मतलब हम जो बताते हैं हाँ वो हाँ सुनते हैं, जो वैसे वैसे किया तो रह जाती है अपन को। और दूसरा, इसमें ऐसे कोई देसी इलाज है जैसे समझ में आए कि घोड़ी हीट पे है फिर कंफर्म है, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करने का दूसरा कोई तरीका है नहीं क्या? नहीं हम तो ऐसे कुछ करते नहीं, तो वैसे कुछ जानकारी भी नहीं है। लोग कहते हैं कि घोड़ी ठहरने के बाद फिर उसके कलर में, शेड में चेंज, नहीं वो हो हेल्थ जाता में है, चेंज, मतलब कि हाँ थोड़ा, मतलब हाँ ऐसे कोई नुस्खा आप बताते होंगे ना कि आप वो चेक कीजिए ये चेक कीजिए, फिर नहीं, अगर नहीं नहीं मतलब लगता है कि तो फिर दिखने घोड़ी में चेक थोड़ा कीजिए। उस पे ग्लो आ जाता है, हाँ तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाती है उसकी, ये ठीक है, लेकिन ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते उस चीज़ से। अगर खाने में भी कोई चेंजेस हो गए हाँ तो भी हाँ वो हो जाता है,
अच्छा डाइट दिया तो भी वो मतलब कि कोटिंग में या उसकी तबीयत में चेंजेस हो जाते हैं, हाँ। तो वैसे नहीं हम मान सकते कि उसके ऊपर ही होगा। अभी इसकी हाइट एग्जैक्ट आपने उसकी हाइट नापी है विद स्केल, हाँ कितनी बढ़ती है इसकी? अभी ये 63+ आराम से है। 63+ है, चार दांत में। हाँ चार दांत है और कुछ लेकिन बढ़ेगा ये आगे? बढ़ जाएगा। एक आधा आधा इंच हाँ एक आधा गुंजाइश है इंच। आपको। अच्छा, और दूसरी बात ऐसे है कि स्टैलियन तो अभी नहीं रुक रहा, ये जब घोड़ी आती है आपके पास तो कवरिंग में कोई तकलीफ? नहीं कुछ नहीं तकलीफ देता, बहुत आराम से हो अच्छा। जाती है? हाँ शांत है, स्वभाव में बहुत शांत है वो, अच्छा। स्वभाव का बहुत शांत है। और दूसरी ऐसी बात है, अभी आप इसको इसका डेली का शेड्यूल, इसमें खाने में क्या क्या दे रहे हो इसको? उसको सुबह तो मतलब कि उसको चारे में कड़वा कुट्टी भूसा दे रहे हैं। अभी अपना ये रचका है। ये आप ही का खेत है हाँ पूरा? हाँ रचका दे रहे हैं घास, ये रचका के कब देते हैं इसको? तो दोपहर को देते हैं। दोपहर में देते हाँ हैं, और रात में फिर? रात में फिर कड़वा कुट्टी भूसा देते और हैं, इसके अलावा कुछ फीड अलग? फिर बाहर का कुछ नहीं मंगवाते हम, सब घर का ही करते हैं। सब खेत का ही गा, घर का हाँ ही है मतलब। घर का खुद बनाते हैं, जो वही देते हैं। अभी आपके आपने बोला ना टोटल आपके पास 9 जानवर हाँ हैं, नौ जानवर। सब घर का ही होता है हाँ सब सब पूरा? घर का ही। अच्छा, और मैं नए लोगों के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसी को घोड़ा लेना है नया, जो नया बंदा है उसको नया नया शौक हुआ है, उसने बच्चा लेना चाहिए, बच्ची लेना चाहिए, घोड़ा लेना चाहिए, घोड़ी लेनी चाहिए? नए बंदे को तो मेरे हिसाब से घोड़ी लेनी चाहिए। मतलब कैसी घोड़ी लेनी चाहिए, मतलब बजट के हिसाब से, कलर में, अभी किस में? बजट का तो देखो, हर इंसान का अलग अलग बजट है, जिसके पास मतलब वो अपने ऊपर है, जिसका जितना बजट है। कोई 1 लाख की ले सकता है, कोई 2 लाख की ले सकता है, कोई 50,000 की ले सकता है, वो तो बंदे के ऊपर है। और नए या इंसान ने घोड़ी लेके फिर उसके बाद आगे उसने क्या करना चाहिए उसको? कैसे कोई मतलब कि आपने शौक के लिए घोड़ लेता है, राइडिंग के लिए लेता है, किसी का पर्पज ब्रीडिंग का हर एक होता का है, पर्पज अलग 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 होता है, अलग अलग रहता अलग है। होता है। लेकिन बड़ी घोड़ी ली तो उसका शौक चालू रहता है, छोटा बच्चा लिया तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, वो ढाई तीन साल चार तीन साल साल 3 साल वो जाए राइडिंग में कैसा निकलेगा वो पता जब नहीं, तक उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तक उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। घोड़ी ली, अपना शौक किया, कोई अच्छा सा स्टाइलिन देख के कवर किया, बच्चा आ जितने जाता की है, घोड़ी है उतने का बच्चा आ बच्चा आ जाएगा जाता राइडिंग ये सीखने तक है। पूरा। हाँ सही बात है। अच्छा, अभी आपके जो ये 30-35 घोड़ी आई है, सिर्फ महाराष्ट्र से आई है क्या, महाराष्ट्र से बाहर कुछ नहीं बाहर से भी बाहर आई? से नहीं कोई आई, सब महाराष्ट्र से आई है। अच्छा, मतलब कि देखो नगर से भी आई है, कुछ पूना से आई है, अभी ये सांगली कोल्हापुर के बाजू उधर की भी आई है, बाहर की कोई नहीं आई महाराष्ट्र के बाहर। इसका आपने ये कहाँ से लिया था स्टैलियन? ये स्टैलियन इधर ही से लिया था हमने, बच्चा था 15 महीने का, तब लेके आए थे उसको? जब वो 15 महीने का था हाँ, ना तब लेके आए थे। लेकिन ये जो हमारे सारंगखेड़ा के बाजू में जो दूसाना है, राजू स्टड क्या फार्म, नाम है उसका? दूसाना गांव है, राजू स्टड फार्म। राजवीर स्टड फार्म हाँ सारंगखेड़ा के पास, हाँ हाँ रोहित रोहित जी पाटिल, आबा आबा बोलते हैं उनको। हाँ अच्छा, हाँ, उनके वहाँ आबा की एक, पाटिल। हाँ उनके वहाँ एक रूप रूपशान करके, हाँ आपने उसके बाप को देखा था रूपशान को? देखा था देखा था। तो वहाँ एक मेहर थी, वो गाभन थी, मतलब कि इनके पास ही थे वो, इनका अच्छा, इनका ही फार्म है वो। ये जो अभी ये जो राइडर है इसको ट्रेनिंग देने के लिए आए क्या? हाँ तो ट्रेनिंग इन्हीं के देने, पास रूपशान था? हाँ रूपशान था। अच्छा, तो तो अभी राइड, ये अभी कितने दिन हो गए इन्होंने राइडिंग शुरू की है? अभी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। तो आप अभी माइक उनके पास दे सकते हैं क्या, उनसे हाँ 2 मिनट? दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। नमस्ते भाई, नमस्ते। आपका नाम भाई? दीपक पाटिल। दीपक पाटिल। दीपक जी, अभी आप इसको राइडिंग देने के लिए धुलिया से आए, खास इसको राइडिंग देने के लिए आए हाँ होंगे? स्पेशल इसके लिए आए हैं, 1.5 साल से रुका था घोड़ा अच्छा, राइडिंग उसका के वेट कर रहे थे लिए। क्या आप? और आके कितने दिन हो गए आपको? 6-7 दिन हो रहे अभी। 6-7 दिन में कुछ क्या क्या इसको किया आपने? अभी उसको 6-7 दिन में टोटल हैंडलिंग चालू है, मतलब टेम्परामेंट उसका भी नॉर्मल है और अच्छा, राइडिंग को भी अच्छा चल रहा, तकलीफ देता नहीं कुछ नहीं। नहीं अभी शुरुआत आपने कहाँ से की इसकी, मतलब इसको लंजिंग से हाँ या स्टार्ट में जब हम घोड़ा निकालते हैं तो उसको पहले उसको लंचिंग देना पड़ता है, थोड़ा लंजिंग थका कहाँ ले है, के इसी बाद ग्राउंड में उसको। देते हो क्या हाँ इसको? ये ग्राउंड में अच्छा, पीछे ये के पीछे साइड, किया है, लंजिंग ग्राउंड हाँ किया है क्या? ये उसी का ग्राउंड है, यही पे उसकी अच्छा ट्रेनिंग चलती है। अच्छा अच्छा हाँ, फिर उसके बाद में आप उसको क्या करते हो लंजिंग देने के बाद? लंचिंग देने के बाद उसको एकदम
कसते हैं उसको, छाप वगैरह गद्दा वगैरह डाल के, अच्छा, फिर बैठ के हल्की हल्की सवर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चालू स्टार्ट में अभी तो आराम से चलता है। हाँ बड़े चलता है आराम, मतलब कोई तकलीफ आगे नहीं, से पैर उठाना पीछे से पैर नहीं, वो स्टार्ट में 1-2 दिन किया उसने, अच्छा उसके बाद नहीं, स्टार्ट में कोई भी घोड़ा वो करता ही है तकलीफ थोड़ा, अच्छा एक बार स्टेबल हो गया चलना उसका चालू हो गया, और उसका क्या है घोड़ा आप चला रहे हो तो घोड़े का और आपका जो माइंड है वो सेट होना चाहिए। हाँ सही बात, अब घोड़ा कुछ कर रहा है आप उसको कुछ कर रहे हो तो वो बनेगी नहीं बात। नहीं नहीं मैंने एक बार देखा था कि एक बंदा राइड ट्रेनर था, जब वो जब सिखा रहा था तो उसने रेन खींच ली तो घोड़ा हाँ पीछे गिर गया होगा, पीछे गिर गया उसके जब भी घोड़ा दो पाव पे, ऐसे कुछ आपके तरफ से कुछ अभी तक नहीं हुआ? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, क्योंकि घोड़ा दो पाव पे जब खड़ा हो होता है तो पीछे रेन नहीं खींचना पड़ता है, उसको आगे लटक जाओ गर्दन पे, अच्छा पीछे रेन खींचा तो गया पीछे, सवार भी और घोड़ा भी पीछे चला जाएगा। अभी तक आपने कितने घोड़े ट्रेन किए? 25-26 घोड़े मैंने मतलब बाहर के ट्रेन किए, और हमारे खुद के व्यापार में कम से कम 85 घोड़े ट्रेन कर दिए। अच्छा उसमें अभी तक कभी आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स नहीं हुआ है? नहीं नहीं कभी, आपने पूरा प्रॉपर ट्रेन किए? प्रॉपर ट्रेनिंग, हाँ अभी 12 साल से व्यापार में ट्रेनिंग में है हम। कितने दिन में सीख जाएगा पूरा ये? देखो घोड़ा ऐसा है, कोई कोई घोड़ा कवर होने में 10 दिन में भी हो जाता है, कोई घोड़ा 15 दिन भी लेता है, कोई कोई घोड़ा महीना भी ले लेता है, उसके ऊपर रहता है। मान के चलो मुझे घोड़े का शौक है लेकिन मैं घोड़ी नहीं लेना चाहता, मुझे स्टैलियन ही लेना है लेकिन हाँ। मुझे राइडिंग नहीं आती है तो हम वो राइडिंग भी सिखाते हैं। राइडिंग अगर आपको राइडिंग सीखना है तो हम वो राइडिंग भी सिखाएंगे आपको, घोड़ा कैसे हैंडल करना है, उसको राइडिंग कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, सब सब सब। अच्छा प्रॉपर उसकी केयर हैंडलिंग पूरा सब सब चीज। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना एक बार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।